मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई रश्मि मैम, योर साइंस टीचर फ्रॉम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा. वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रिवाइज अवर रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स वी गेट स्टार्ट. टुडे वी विल रिवाइज अवर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ चैप्टर 6. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स वी गेट स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 3. What should be done if burns are severe and blisters are common? क्या करना चाहिए अगर जो बर्न है, जब आप जल जाते हो, ज़्यादा जल गया है आपका कोई बॉडी का पार्ट और वहाँ पे क्या हो गए हैं, छाले हो गए हैं. ब्लिस्टर्स मीन्स क्या होते हैं, छाले. तो आप क्या करोगे इस कंडीशन में? आंसर, इफ़ द बर्न इज सिवर एंड ब्लिस्टर्स आर फोम, अगर ज़्यादा गहरा घाव लग गया है, ज़्यादा जल गया है और ब्लिस्टर फॉर्म हो गए हैं, छाले हो गए हैं, देन डू नॉट प्रिक द ब्लिस्टर्स. तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, जो ब्लिस्टर्स होते हैं, छाले होते हैं, उनको प्रिक नहीं करना चाहिए, फोड़ना नहीं चाहिए. टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर, और जो पेशेंट होता है, जिसको चोट लगी है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए आफ्टर क्लीनिंग द एरिया विद कोल्ड वाटर एंड पुट सम स्टेरिलाइज्ड गॉज. और बाद में क्या कर, उस वाउंड को जहाँ पे आपका बर्न हुआ है, उस पार्ट पे, वहाँ से आपको क्लीन करना है उस एरिया को, कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से धोना है एंड पुट सम स्टेरिलाइज्ड गोइस, और कुछ पट्टी वहाँ पे कवर करनी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ गेटिंग अ फ्रैक्चर. अगर आपको फ्रैक्चर हो जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फ्रैक्चर हुआ है? क्या इंडिकेशंस है, क्या संकेत मिलेंगे कि आपको पता चलेगा फ्रैक्चर हो गया? आंसर, स्वेलिंग और ब्रूजिंग ओवर अ बोन. जो बोन है वहाँ पे, जहाँ से भी आपकी बोन ब्रेक हुई है, वहाँ पे आपके स्वेलिंग हो जाएगी, सूज जाएगा वो पार्ट. ठीक है, डिफॉर्मिटी ऑफ एन आर्म और लेग, जहाँ पे भी आर्म में या फिर लेग में फ्रैक्चर हुआ है, वहाँ पे डिफॉर्मिटी आ जाएगी, वहाँ से जो पार्ट है वो अच्छा नहीं लगेगा. ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज लूज ऑफ फंक्शन इन द इंजर्ड एरिया. और जिस भी पार्ट में, जहाँ पे भी आपको फ्रैक्चर हुआ है, वहाँ पे जो पार्ट है वो इंजर्ड एरिया वर्क करना बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है या फिर कम काम करता है, तो आपको पता चल जाएगा ये इन सभी कंडीशन में आपको फ्रैक्चर हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन एन एनिमल बाइट बी डेंजरस फॉर यू. अगर आपको कोई एनिमल बाइट कर लेता है तो वो आपके लिए ख़तरनाक कैसे हो सकता है? आंसर, एन एनिमल बाइट कैन बी डेंजरस इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड. एनिमल बाइट कब डेंजरस हो सकती है? जब आप उसको बिना इलाज करवाए रखते हो. अगर किसी एनिमल ने आपको बाइट कर लिया और आपने उसको इग्नोर कर दिया, डॉक्टर को भी नहीं दिखाया, ट्रीट नहीं किया, तो क्या होगा? जब डेंजरस बन जाता है वो हमारे लिए, बिकॉज बैक्टीरिया कैन बी एंटर इनटू द वाउंड, और जो घाव लगता है वहाँ पे बैक्टीरिया एंटर करते हैं, लीडिंग टू इन्फेक्शन, और उसकी वजह से क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है. ओके, एन एनिमल बाइट कैन बी डेंजरस इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, बिकॉज बैक्टीरिया कैन बी एंटर द वाउंड लीडिंग टू इन्फेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, सो यू विल लर्न ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल रिवाइजिंग द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज. गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. वन वर्ड में आपको आंसर देना है. दिस क्लॉथ कैच फायर इजली. कौन सा कपड़ा है जो फायर जल्दी कैच कर लेता है आसानी से? आंसर, सिंथेटिक, SYNTHETIC, सिंथेटिक. फ़ोन नंबर टू बी डायल इन केस ऑफ अ फायर. फायर के केस में आप कौन सा फ़ोन नंबर डायल करते हो? करना चाहिए 101. द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन. जो फर्स्ट ट्रीटमेंट की जाती है, जो इमीडिएट हेल्प दी जाती है, शीघ्र जो हेल्प की जाती है इंजर्ड पर्सन की, तो उसको हम क्या कहते हैं?
फर्स्ट एड कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर टू बी विजिटेड अपॉन अ फ्रैक्चर। जिस डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए जब हमें फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो कौन सा डॉक्टर होता है? ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाना चाहिए। ORTHOPEDIST, ऑर्थोपेडिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूल्स मेड फॉर द सेफ्टी ऑफ कॉमिटर्स। जो कॉमिटर्स होते हैं उनके लिए कौन से सेफ्टी रूल्स बने हैं? ट्रैफिक रूल्स, TRAFFICRULES। ओके स्टूडेंट्स, सो यू विल लर्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट योर एसएसटी क्लास ऑनलाइन। डियर स्टूडेंट्स, फॉर क्लास फिफ्थ टुडे इज अवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर 18, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। जो मूलभूत अधिकार और कर्तव्य हमारे हैं उनके बारे में हमने इस चैप्टर में रीड करेंगे। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हम कम्प्लीटली रीड कर चुके हैं। टुडे वी विल रीड द फंडामेंटल ड्यूटीज, मूलभूत जो कर्तव्य हैं एवरी सिटीजन के, उनके बारे में आज हम रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, सिक्स फंडामेंटल राइट्स हम रीड कर चुके हैं। टुडे वी विल रीड फंडामेंटल ड्यूटीज। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर द मोरल ओब्लाइजेशन ऑफ द सिटीजन टू अपहोल्ड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो एक बुनियादी कर्तव्य हैं देश के अंदर एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। सभी जो लोग हैं, सभी जो नागरिक हैं, उनके मूलभूत कर्तव्य हैं, बुनियादी दायित्व हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो बुनियाद, जितने भी हमारे कर्तव्य, ये ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं, वो कानून द्वारा लागू नहीं हैं, वो इन्फोर्सेबल नहीं है लॉ के द्वारा। दीज ड्यूटीज हैव बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू हेल्प इंडियन सिटीजन अंडरस्टैंड दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किया गया है। किस लिए? ताकि लोगों को ये बताने में हेल्प मिल सके, ये बताने में मदद मिल सके कि इन कर्तव्यों का पालन करने से हमारी जो कंट्री है उसका विकास के लिए ये जो कर्तव्य हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। टू मेंटेन पीस हारमोनी इन द कंट्री। ये किस लिए है ये मूलभूत कर्तव्य? ये हमारे जो कंट्री है उसके अंदर शांति और अखंडता को बनाए रखने के लिए ये कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर एज फॉलो। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसके अंदर जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो ये हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटीज आज हम जो पढ़ेंगे वो आगे हैं। टोटल हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हमें क्या करना चाहिए? हमेशा अपने कानून का पालन करना चाहिए और उसके अंदर क्या करना चाहिए, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान हैं या आइडियल्स हैं, जैसे नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, इनकी सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारी जो ड्यूटी है फंडामेंटल, वो क्या है? सेकंड, टू चीयर्स एज फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमें क्या करना चाहिए? जितने भी हमारे महान आदर्श हैं, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता का जो संघर्ष है उसके लिए प्रेरित किया है, उनको संभाल कर रखना चाहिए। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। क्या है? भारत की प्रभुता और एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए या फिर सुरक्षित करना चाहिए। भारत की एकता है, प्रभुसत्ता है या अखंडता है, उसको बनाए रखना चाहिए। फोर्थ हमारी है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। क्या करना चाहिए हमें? जब हमें ये कहा जाए कि हमें देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए हमें कुछ योगदान देना है, कुछ सेवा प्रदान करनी है, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, राष्ट्र की सेवा के लिए। नेक्स्ट है टू प्रोमोट हारमोनी एंड द
स्प्रिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमोंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस लैंग्वेस्टिक एंड रीजनल ऑफ रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी। क्या करना है हमें, हमें हमेशा अपनी जो धार्मिक भाषा है, धार्मिक राज्य है या क्षेत्र है या वर्ग के अंतर्गत विविधता होने के बाद भी भाईचारे की भावना हमें अपने अंदर रखनी चाहिए। जैसे क्षेत्र के आधार पर विविधता है, भाषा के आधार पर विविधता है या फिर हमारे धर्म के अनुसार जितनी भी विविधता है, उन वो विविधताएं होने के बाद भी हमें कॉमन ब्रदरहुड की भावना रखनी चाहिए, हमें कॉमन भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। क्या है जो हमारा कंपोजिट कल्चर है, जो हमारा मिला जुला हुआ कल्चर है, उसको और हमारे जो प्रिजर्व जो हेरिटेज हैं, रिच हेरिटेज हैं, उनको हमें प्रिजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। हमारे रिच हेरिटेज को और कंपोजिट कल्चर को हमें सुरक्षित रखना चाहिए, बचाव करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक रिवर वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेंसेशन फॉर लिविंग क्रिएटर्स। लिविंग जो क्रेचर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, हमें क्या प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को, प्राकृतिक एनवायरनमेंट को। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, हमारे फॉरेस्ट हैं, लेक है, रिवर है या वाइल्ड लाइफ है, उनके साथ हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। जितने भी हमारे ये जीव जंतु हैं उन और प्राणियों के साथ हमें सहानुभूति रखनी चाहिए और उनको बचा कर रखना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हमें जो साइंटिफिक जो वैज्ञानिक जो हमारी मानवतावाद है और जात सुधार की जो भावना है उसको विकसित करना चाहिए, वैज्ञानिक भावना को विकसित करना चाहिए। नेक्स्ट है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जोर वायलेंस। हमें क्या करना चाहिए, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको बचा कर रखना चाहिए, उसको सुरक्षित करना चाहिए और हिंसक भावना को छोड़ना चाहिए, हिंसक भावना हमें नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट है टू स्ट्राइव टुवार्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन कॉन्स्टिट्यूएंसली राइज टू हायर लेवल ऑफ इंडवर एंड अचीवमेंट्स। क्या है, हमें व्यक्तिगत और सामूहिक जो गतिविधियां हैं उनको सभी को जोड़ने में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने चाहिए, ताकि देश संवैधानिक रूप से जो उपलब्धियां हैं उनको और अधिक उच्च स्तर तक पा सके। मतलब हमारे देश के अंदर जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक गतिविधियां हैं, उनको उत्कृष्ट रखना चाहिए, उनको जोड़ कर रखना चाहिए, ताकि हमारे देश का ही संवैधानिक विकास हो सके। हु इज ए पेरेंट और गार्जियन, कौन माता पिता और अभिभावक ऐसे हैं, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस मे बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर। मतलब कोई भी माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित, किसी भी माता पिता को, किसी भी अभिभावक को अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या है कि अगर वो बच्चा 6 to 14 एज में है, 6 से 14 वर्ष की आयु में है, तो उसको शिक्षा के लिए ज़रूर विद्यालय में भेजना चाहिए, स्कूल में भेजना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर, वी कंप्लीट अवर चैप्टर। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने सिक्स फंडामेंटल राइट्स और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को रीड किया है इस चैप्टर के अंदर। आई होप यू ऑल्सो अंडरस्टैंड। डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो लर्न दिस चैप्टर 2 टाइम। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट ऑफ 5th क्लास, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आई एम सिमरन मैम, योर इंग्लिश टीचर। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डन अवर एसे राइटिंग एंड नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, होमोनिम्स। सो लेट्स स्टार्ट। सम वर्ड्स
have the same pronunciation, but they differ in their spelling and meanings. कुछ वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन में क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट वो डिफर होते हैं, डिफरेंट होते हैं, किसमें, स्पेलिंग में एंड मीनिंग्स में डिफरेंस होते हैं. सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोनिम्स. इन वर्ड्स को क्या कहते हैं हम, होमोनिम्स कहते हैं. एंड सो लेट अस रीड सम एग्जांपल ऑफ होमोनिम्स यूज्ड इन सेंटेंस, जो कि हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं. फर्स्ट है एक्सेप्ट. आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन. और एक्सेप्ट, सी ईट्स एवरीथिंग एक्सेप्ट स्वीट्स. इस एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और इस एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, छोड़कर, उसको छोड़कर बाकी सब कुछ. सेकंड, एडवाइस. आई एडवाइज यू डू नॉट गो देयर. और एडवाइस, ही आस्क्ड मी फॉर एडवाइस अबाउट राइटिंग अ बुक. थर्ड, ब्लू. द स्टॉर्म ब्लू अवे द क्लॉथ्स. और ब्लू, द स्काई लुक्स ब्लू. फोर्थ है सेल. द टीवी रिमोट वर्क्स ऑन द पेंसिल सेल. और ये सेल, राज वॉन्ट्स टू सेल हिज बाइक. फिफ्थ, डोज. डू नॉट टेक अ हैवी डोज ऑफ स्लीपिंग पिल्स. डोज, ही ऑलवेज डोज ऑफ ड्यूरिंग द फिल्म. सिक्स, डायरी. वी हैव अ डायरी इन आवर नेबरहुड. एंड डायरी, आई हैव हैबिट ऑफ राइटिंग अ डायरी, डेली डायरी. सेवेंथ, फेयर. माई क्लास वेंट टू द ट्रेड फेयर. और फेयर, दिस ईयर द रेलवेज विल हाइक द फेयर. एट, फ्लोर. आई मस्ट स्वीप द किचन फ्लोर. फ्लोर, द कुक यूजेस फ्लोर टू मेक केक्स. आप सबको इसमें डिफरेंस पता चल रहा होगा ना, कि इस फेयर का मतलब क्या होता है, ट्रेड फेयर जो कि मेले में देखे जाते हैं, और इस फेयर का मतलब क्या होता है, रेलवे हाइक फेयर. एंड फ्लोर, इस फ्लोर का मतलब क्या होता है, जो कि हमारे स्लेप वगैरह जो किचन के फ्लोर्स होते हैं. और इस फ्लोर का मतलब क्या होता है, आटा जो कि हम कुकिंग में यूज करते हैं. नाइन्थ, हेयर. She has black long and beautiful hair. इसका मतलब क्या है, ब्लैक जो हमारे हेयर्स होते हैं, बाल. और हेयर, H A R E, हेयर. इस हेयर का मतलब क्या होता है, द हेयर लॉस्ट द रेस ऑफ द ट्यूस्ट हेयर, मतलब इस स्थान पर. टेंथ है हर्ट. H E A R T, हर्ट. और H U R T, हर्ट. द हर्ट इज द मेन ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि हमारा दिल होता है. और इस हर्ट का मतलब क्या होता है, ही गोट हर्ट टू एन इंसिडेंट. हर्ट का मतलब चोट लगना, पेन होना. इलेवेंथ है होल. द गार्डनर डग अ होल टू शो अ सीड. और होल, द होल फैमिली वेंट टू द शो. इस होल का मतलब क्या हो गया, गड्ढा करना. इसमें क्या कह रहा है, कि जो गार्डनर है वो बीज को उगाने के लिए खुदाई कर रहा है. और इस होल का मतलब पूरी फैमिली, मीन्स सभी. नॉट और नॉट, डू नॉट. इस नॉट का मतलब नेगेटिव सेंस निकल रही है, और इस नॉट का मतलब देखो, ओपन द नॉट स्ट्रिंग. एंड 13 है प्रिंसिपल. मेक सम प्रिंसिपल्स टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ. और प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है कुछ हम रूल्स बनाते हैं अपनी लाइफ को सक्सेसफुल करने के लिए. और इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जो कि हमारे हेडसर होते हैं. एंड 14 है राइट. और राइट, इस राइट का मतलब क्या होता है, सही. और इस राइट का मतलब क्या होता है, लिखना. आई एम अ राइट हैंडर. राइट, राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर. 15 है रूट. और रूट, दे टुक अ लॉन्ग बट सेफ रूट टू रीच दिल्ली. रूट, डू नॉट कट द रूट ऑफ द ट्री.
इस रूट का मतलब क्या है? जड़े, और इस रूट का मतलब क्या है? जाने वाला सफर। 16. स्टील, स्टील, द स्टील, द बॉय क्विटली स्टील द गोल्ड चैन, चोरी करना। स्टील, लॉट्स ऑफ स्टील इज यूज टू मेक द बिल्डिंग। 17. स्टोरी, स्टोरी, माई ग्रैंड मदर एवरी डे टेल्स अस अ स्टोरी, स्टोरी, वी लाइव इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। 18. वेट, वेट अ वाइल फॉर योर टर्न, और वेट, योर वेट इज इंक्रीजिंग वेरी रिपीटेडली। 19. वेदर, द वेदर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। वेदर, लेट मी कन्फर्म वेदर ही इज कमिंग और नॉट। 20. ईयर, ईयर, इन दोनों के बीच में आप इजीली डिफरेंस कर सकते हैं। ईयर, अ लीप ईयर हैज अ 3366 डेज, एंड ईयर, एलिफेंट्स हैव बिग ईयर्स। एंड ये आपके होमवर्क एक्सरसाइज है। यूज दीज होमोनिम्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। आपको इनके ओवन सेंटेंसेस मेक करने हैं। एडवाइस, एडवाइस, ब्लू, ब्लू, सेल, सेल, डेरी, डेरी, फ्लोर, फ्लोर, नॉट, नॉट, स्टोरी, स्टोरी। एंड सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस ग्रामर टॉपिक ऑफ होमोनियम्स एंड दिस टॉपिक। राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो, एंड ऑल्सो राइट योर होमवर्क एंड लर्न। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैंने कल कक्षा 5 में कराया था पाठ 2, बहादुर की दोस्ती। मैंने आपको कुछ प्रश्न उत्तर करा दिए थे और बाकी बचे हुए प्रश्न मैं आज करा रही हूँ। पहले हम करेंगे शब्दार्थ, सुबकना, रोना, चैन की सांस, सुख का अनुभव, राजी, सहमत, तंदुरुस्त, स्वस्थ, माजरा, समस्या, प्रयत्न, कोशिश, आश्चर्य, हैरानी। एक बार फिर देखिए, सुबकना, रोना, चैन की सांस, सुख का अनुभव, राजी, सहमत, तंदुरुस्त, स्वस्थ, माजरा, समस्या, प्रयत्न, कोशिश, आश्चर्य, हैरानी। पहला प्रश्न है, स्कूल के दरवाजे पर पहुंचकर रूना बहादुर से क्या कहती थी? क्या प्रश्न है? स्कूल के दरवाजे पर पहुंचकर रूना बहादुर से क्या कहती थी? इसका उत्तर होगा, रूना कहती, बहादुर तुम जाओ क्योंकि तुम अंदर नहीं आ सकते। क्या उत्तर होगा? रूना कहती, बहादुर तुम जाओ क्योंकि तुम अंदर नहीं आ सकते। अगला प्रश्न है, बहादुर किस लिए हैरान हो रहा था? बहादुर किस लिए हैरान हो रहा था? इसका उत्तर होगा, क्योंकि रूना उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही उसके पास से गुजर गई। क्योंकि रूना उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही उसके पास से गुजर गई। आगे है, बहादुर ने रूना की जान कैसे बचाई? बहादुर ने रूना की जान कैसे बचाई? इसका उत्तर होगा, बहादुर रूना की फ्रॉक अपने मुंह में पकड़कर उसे किनारे तक ले आया। क्या उत्तर होगा? बहादुर रूना की फ्रॉक अपने मुंह में पकड़कर उसे किनारे तक ले आया। अगला प्रश्न है, बहादुर की बहादुरी का किस्सा सुनने के बाद रूना के माता पिता ने क्या फैसला किया? क्या प्रश्न बताया मैंने? बहादुर की बहादुरी का किस्सा सुनने के बाद रूना के माता पिता ने क्या फैसला किया? इसका उत्तर होगा, उन्होंने फैसला किया कि आज से बहादुर उनके साथ ही रहेगा। उन्होंने फैसला किया कि आज से बहादुर उनके साथ ही रहेगा। तो बच्चों, ये मैंने शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर आपको कराए हैं। आप सभी को ये अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद कर रहे हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय सेल्फ बाला मैम फ्रॉम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुर। डियर स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट आवर मैथ ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 5। एंड डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास वी हैव कम्प्लीटेड अवर एक्सरसाइज
8.4. Now we do our next exercise 8.7. In this exercise we have words problem related to multiply and divide. So dear students, so now we start. Our first question is, on Sunday a restaurant had 100 guests. एक रेस्टोरेंट है जिसमें संडे को 100 गेट्स आते हैं. आउट ऑफ विच 13/20 ऑफ द गेट्स आर वर फीमेल. जो 100 गेट्स गेस्ट आए थे उसमें 13/20 गेस्ट मेल थे. मतलब उनकी जो मेल कैंडिडेट थे उनकी संख्या नहीं दी हमें, दिखाया बताया सिर्फ 100 में से 13/20 गेस्ट मेल थे. हाउ मैनी वर फीमेल देयर. तो वहां पर कितनी लेडीज थी. So dear student, now we start our statement is, a restaurant has guest. A restaurant में कितने guest है? 100. Out of which the guest were male. उसमें से कितने male है? 13/20 of 100. मतलब हमें इसका 13/20 निकालना है तो उतने male है. तो अब हम इसमें से number of male निकालेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं number of males. तो इस समय males की संख्या पता चल जाएगी कितने हैं. तो 13/20 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 100. जब हमने इसको कट किया देखो जीरो से जीरो कट हो गई, 2 1 जा 2 2 5 जा. अब 13 और 5 की मल्टीप्लाई करी 13 5 जा 65. तो हमारे पास मेल कितने आ गए बेटा 65. अब हमें फीमेल फाइंड आउट करना है. अगर हम 100 में से 65 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे फीमेल. तो फीमेल्स क्या होंगे 100 माइनस 65. जब 100 में से हमने 65 को माइनस किया तो हमारे पास बच गया 35. तो फीमेल्स कितने थे बेटा 35. आई थिंक ये स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड. एंड अवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, जतिन वॉक्स 3 1/2 किलोमीटर इन ए डे. जतिन है जो एक दिन में चलता है 3 1/2 किलोमीटर. हाउ मेनी किलोमीटर डज ही वॉक इन ए वीक. तो वो एक वीक में कितना चलेगा बेटा. वन डे का दे रखा है और 7 डेज का देखो वीक दे रखा है. तो वन वीक में कितने, वीक को हम डेज में कन्वर्ट करेंगे. वन वीक में कितने डेज होते हैं 7. तो हमें 7 का निकाल, कम का दे रखा है ज्यादा का निकालना है. तो हम क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई. सो अवर स्टेटमेंट इज, जतिन वॉक्स इन ए डे 3 1/2 किलोमीटर. मिक्स फ्रैक्शन में था तो हमने इसको कन्वर्ट किया 2 3 जा 6. 6 में 1 प्लस किया 7 7/2 किलोमीटर. जतिन वॉक्स इन 7 डेज. 7 डेज क्यों, क्योंकि 1 वीक में कितना होता है 7 डेज. तो आप साइड में लिख सकते हैं यहां पर 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, क्योंकि हमसे 1 वीक में पूछा था. तो 7/2 देखो बेटा 1 का दिया है ज्यादा का निकालना है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 7. तो 7 के नीचे कुछ नहीं था तो हमने 7 के नीचे क्या माना 1. अब देखिए बेटा ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बन गया तो हम दोनों में से कोई भी आपस में कट नहीं होते क्रॉस में. तो हम 7 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, 2 का 1 से करेंगे 2. तो ये हमारा आंसर आ गया. आप चाहे तो इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में भी राइट कर सकते हैं. जब आप मिक्स फ्रैक्शन में राइट करेंगे तो 24 1/2 किलोमीटर. ओके स्टूडेंट, नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज, 9 कंसाइनमेंट वेट 44 2/3 केजी. 9 कंसाइनमेंट है जिनका वेट है 44 2/3 केजी. फाइंड द वेट ऑफ ईच कंसाइनमेंट. तो हमें ईच मतलब एक का, प्रत्येक का निकालना है. तो मतलब हम अगर एक का निकाल लेंगे तो हमें 9 का भी पता चल दिया हुआ है. तो देखो बेटा ज्यादा का दिया है 9 का दिया है, हमें 1 का निकालना है. तो जब हमारे पास ज्यादा का दिया है और हम कम का निकालते हैं तो क्या करते हैं डिवाइड. और ज्यादा कम का दिया है और जब ज्यादा का निकालते हैं तो मल्टीप्लाई. तो ये वर्ड प्रॉब्लम में एक तरह से एक रूल का काम करता है कि कब हमें क्वेश्चन को डिवाइड करना है कब मल्टीप्लाई करना है. जब हम कम का निकालते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, जब हम ज्यादा का फाइंड आउट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो नाउ अवर स्टेटमेंट इज, 9 कंसाइनमेंट वेट 44 2/3 के जी. मिक्स फ्रैक्शन में था तो हमने इसको चेंज किया. 44 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 132, 32 में 2 प्लस किया तो 134/3 के जी. वेट ऑफ 1 कंसाइनमेंट तो 30, देखो बेटा हमें डिवाइड करना है क्योंकि हमें कम का निकालना है. तो 134/3 डिवाइड बाई 9. 9 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 9 के नीचे क्या मानेंगे 1. अब ये हमारा डिवाइड का क्वेश्चन बन गया तो 134/3 एज इट इज. डिवाइड का साइन किस में चेंज होता है मल्टीप्लाई में. और हम पीछे वाले डिजिट का क्या करते हैं रेसिप्रोकल, मतलब उसको उल्टा कर देते हैं. 9/1 है तो 1/9. अब देखो कोई भी नंबर आपस में कट नहीं होता तो हम ऊपर के डिजिट का 134 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 134, 3 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 9 27 केजी. आपका आंसर ये भी ठीक है. आप इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में राइट करना चाहें
तो आपका आंसर आएगा 4 and 26/27 कीजिए। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज द टोटल लेंथ ऑफ थ्री कार्पेट ऑफ इक्वल लेंथ इज 6 and 1/3 मीटर। तीन कार्पेट हैं जिनकी लेंथ इक्वल दी हुई है और तीनों की जो टोटल दे रखी है वो है 6 and 1/3 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच कार्पेट। तो हमें वन कार्पेट की निकालनी है। देखिए बेटा तीन की दे रखी है, वन की निकालनी है। ईच का मतलब होता है वन, तो वन की निकालनी है। तो हमें कम की निकालनी है ज्यादा की, तो हमें कम की निकालनी है। कम की निकालनी है तो हम क्या करते हैं डिवाइड। सो अवर स्टेटमेंट इज लेंथ ऑफ थ्री कार्पेट्स कितनी दी है 6 and 1/3 मीटर। मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसको चेंज कर लेंगे। 3 6 18 में 1 + 19 19/3 मीटर। लेंथ ऑफ वन कार्पेट 19/3, देखो कम का निकाल रहे तो हम क्या कर देंगे डिवाइड डिवाइड बाय 3। अब 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानेंगे 3 के नीचे 1। अब हमारा ये डिवाइड का क्वेश्चन बन गया। तो 19/3 डिवाइड का साइन किस में चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, और पीछे वाले डिजिट का क्या करते हैं रेसिप्रोकल। तो 3/1 = 1/3 = अब हम इसको सोल्व करना है। देखो कोई भी नंबर आपस में कट नहीं हो रहा है, तो 19 का हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 19, 3 का 3 से क्या 9। तो हमारा आंसर 19/9 ठीक है। आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड करके भी राइट कर सकते हैं। तो जब मिक्स फ्रैक्शन में हमारा आंसर आएगा 2 and 1/9 मीटर। ओके स्टूडेंट नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। नंबर फिफ्थ इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 5। प्रोडक्ट मतलब ए इंटू बी दे रखा है। ए हमारी वन फ्रैक्शन है, बी हमारी अदर फ्रैक्शन है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई दे रखा है 5। इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 39/4/7 यदि एक वैल्यू दे रखी मतलब एक की वैल्यू दे रखी 39/4/7 फाइंड द अदर फ्रैक्शन। तो अदर फ्रैक्शन मतलब हमें बी की फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। सो डियर स्टूडेंट अवर स्टेटमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन मीन्स हमारे पास ए और बी, ए हमारी पहली फ्रैक्शन है बी हमारी दूसरी फ्रैक्शन है, तो है 5। वन फ्रैक्शन मीन्स हमारे पास ए गिवन है 39/4/7 मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसको चेंज कर लेंगे 95/7। अब हमें अदर फ्रैक्शन निकालनी है तो 5 / 95/7 ये कैसे आया बेटा। इसका सॉल्यूशन आप देखें ऐसे हम साइड में करके दिखा रहे हैं आपको। हमारे पास a इंटू बी दे रखे हो, a की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी 95/7, तो हम a की वैल्यू रख देंगे 95/7 × b = 5। अब हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 5 एज इट इज। ये इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जब हम साइड चेंज करते हैं तो साइड साइन अपोजिट हो जाती है मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा डिवाइड 95/7। तो इस तरह से ये वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल के आई। अब देखिए ये हमारा डिवाइड का क्वेश्चन बन गया। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 5 के नीचे 1 माना 7/95। अब ये 5 से कट हो रहा है तो हमने इसको कट कर दिया 5 बन जाए 5, 95 का किया तो 19। तो 7/19 बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/19। अब हम इसको और ए की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर 6। अवर क्वेश्चन नंबर 6 इज ए मैन सोल्ड सम पेंसिल वर्थ ₹7 and 1/2। देखो एक मैन है जिसने कुछ पेंसिल बेची, पेंसिल कितनी थी वो नहीं बताया इसमें, ये बताया कि उसने कुछ पेंसिल बेची तो उसने बेचने पर उसको कितने रुपए मिले 7 and 1/2। इफ ईच पेंसिल कॉस्ट यदि एक पेंसिल की कॉस्ट दे रखी है 3 and 1/4, तो हाउ मेनी पेंसिल डिड ही सेल, तो उसने कितने पेंसिल बेची। तो मतलब हमें नंबर ऑफ पेंसिल फाइंड आउट करने हैं। टोटल रुपीज दे रखा है और एक पेंसिल की कॉस्ट दे रखी है। सो अवर स्टेटमेंट इज ए मैन सोल्ड सम पेंसिल वर्थ 7 and 1/2, कन्वर्ट किया 15/2 रुपीज। कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल दे रखी 3/4 रुपीज। नंबर ऑफ पेंसिल फाइंड आउट करना है तो जितना हमारे पास था, देखो बेटा जो टोटल रुपीज थे उसका हम 3/4 कर देंगे, आप हम उसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 15/2 / 3/4। अब हमारे पास आ गया 15 2/ as it is, डिवाइड का साइन किस में चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और 3/4 का हो गया 4/3। देखो 2 से 4 कट हो रहा है 2 1 जा 2, 4 को कट किया 2, 3 से 15 कट हो रहा है 3 1 जा 3, और 3 5 जा, ऊपर डिजिट क्या बची 5 और 2, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्या आ गया 10 पेंसिल। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल रुपीज दे रखे थे और एक पेंसिल की कॉस्ट दे रखी थी, और हमें फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ पेंसिल कि उसने कितने पेंसिल बेचे।
आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर सिक्स. डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू सिक्स आपका होमवर्क है, आपने इनको फेयर नोटबुक में करना है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम यू टू ऑनलाइन क्लास MLP स्कूल राजपुरा. माई सेल्फ पूनम यूअर कंप्यूटर टीचर. टूडे वी आर रीडिंग चैप्टर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सो स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली. टूडे वी आर रीडिंग सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर आर टू टाइप्स. सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकेंड है सिस्टम सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क सच एज ड्रॉइंग, राइटिंग, प्लेइंग गेम एक्सेट्रा. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस लिए डिजाइन किया गया है? परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क के लिए सच एज ड्रॉइंग, राइटिंग, प्लेइंग गेम एक्सेट्रा. इट इज़ यूज बाई प्रोफेशनल. इसलिए यूज होता है, यूज बाई प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, वेब मास्टर, प्रोग्रामर्स एक्सेट्रा. किसके लिए यूज होता है ये? प्रोफेशनल के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वेब मास्टर या प्रोग्रामर्स के लिए. एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम. कैसे यूज होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर हार्डवेयर थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम. सम एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल क्या है? MS वर्ड, MS एक्सेल, वर्ड पैड, नोट पैड और पेंट. ये सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल. नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल एंड मैनेज ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के सभी पार्ट्स का कंट्रोल एंड मैनेज करना. ओवरऑल एक्टिविटी, जो ओवरऑल जो एक्टिविटी होती है वो के कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम में. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लाइक ए मैनेजर ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन कंप्यूटर सिस्टम. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम कैसे लाइक करते हैं? एज ए मैनेजर डिफरेंट थिंग्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. इन अदर वर्ड वी कैन से डेट द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डेट कंट्रोल ओवरऑल ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं? वी कैन से सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम. प्रोग्राम का कलेक्शन करता है डेट कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन, जो ओवरऑल ऑपरेशन को कंट्रोल करता है एंड परफॉर्मेंस को टू द कंप्यूटर सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मेन एग्जाम्पल होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का. दी मेन फंक्शन ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर आर. सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन फंक्शन होता है टू यूटिलाइज द एफिशिएंसी ऑफ हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर. कंप्यूटर हार्डवेयर में जो एफिशिएंसी होती है उसे यूटिलाइज करना, यूटिलाइज द एफिशिएंसी ऑफ हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर. सेकंड है टू मेक द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू डू टास्क. सम एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर माइक्रोसॉफ्ट विंडो, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक, OS X एंड DOS. ये सभी किसके एग्जाम्पल है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के. ऑल स्टूडेंट्स टूडे होमवर्क इज पेस्ट द पिक्चर ऑफ थ्री हार्डवेयर पार्ट्स डेट आर फाउंड इन साइड ए CPU इन यूर स्क्रैप बुक एंड ऑल्सो मेंटेन देयर नेम. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनु यादव, योर GK टीचर एंड कन्वर्सेशन टीचर ऑफ 5th क्लास फ्रॉम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा. स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लासेस दैट वी आर रिवाइजिंग अवर कन्वर्सेशन सेंटेंसेस. दोज स्टूडेंट्स हु नोट अटेंड अवर प्रीवियस कन्वर्सेशन क्लासेस, सो प्लीज अटेंड दीज वंस एंड कम्प्लीट योर पेंडिंग वर्क. सो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट. First of all, mention your date, heading, translate the following sentences into English. Let's start. Our first sentence is, एक कहावत है, असंभव कुछ भी नहीं. There is a saying, nothing is impossible. There is a saying, nothing is impossible. THERE, there. IS is a SAVSAYING saying, कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमे स्टार्ट, NOTHING nothing, IS is IMPOSSIBLE impossible and इन्वर्टेड कोमा क्लोज. देयर इज अ सेइंग नथिंग इज इम्पॉसिबल.
एक कहावत है, असंभव कुछ भी नहीं। देयर इज अ सेइंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट इज, तुम कब से यहाँ हो? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तुम कब से यहाँ हो? लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे क्योंकि एक प्रश्नवाचक वाक्य है। सिंस वैन हैव यू बीन हेयर? सिंस वैन हैव यू बीन हेयर? एस आई एन सी ई सिंस, डब्ल्यू एच ई एन वैन, एच ए वी ई हैव, वाई ओ यू यू, बी डबल ई एन बीन, एच ई आर ई हेयर। सिंस When have you been here? Put question mark after this sentence because it is interrogative sentence. Third is, तुम मेरे हमनाम हो? तुम मेरे हमनाम हो? You are my namesake. जैसे एक जैसा ही नाम होता है तो उसको कहते हैं हमनाम, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Namesake. You are my namesake. Y O U U A R E R M Y my N A M E S A K E namesake. You are my namesake. Fourth is, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जब आप किसी अनवेल पर्सन को देखते हैं तो आप उससे क्या कहते हैं? लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। Looks as you are not well. Looks as you are not well. L double O K S looks, A S as, Y O U U, A R E R N O T not, W E double L well. Looks as you are not well. Looks as you are not well. Fifth is, इस पुस्तक को दोनों हाथों से पकड़ो। इस पुस्तक को दोनों हाथों से पकड़ो। होल्ड दिस बुक विद बोथ ऑफ योर हैंड्स। होल्ड दिस बुक विद बोथ ऑफ योर हैंड्स। एच ओ एल डी होल्ड, टी एच आई एस दिस, बी डबल ओ के बुक, डब्ल्यू आई टी एच विद, बी ओ टी एच बोथ, ओ एफ ऑफ, वाई ओ यू आर यूअर, एच ए एन डी एस हैंड्स। होल्ड दिस बुक with both of your hands. Students, let's revise again. एक कहावत है, असंभव कुछ भी नहीं। There is a saying, nothing is impossible. Next is, तुम कब से यहाँ हो? Since when have you been here? Since when have you been here? तुम मेरे हमनाम हो? You are my namesake. You are my namesake. लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। Looks as you are not well. Looks as you are not well. इस पुस्तक को दोनों हाथों से पकड़ो। Hold this book with both of your hands. Hold this book with both of your hands. Next is, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? सिक्स्थ सेंटेंस है हमारा, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? Why you do not listen to me? Why you do not listen to me? W-H-Y, W-H-Y, Why, Y-O-U-U, D-O-D-O, N-O-T, Not, L-I-S-T-E-N, Listen, T-O-2-M-E, Me. And put question mark after sentence. Why you do not listen to me? Seventh is, वो एक अच्छा इंसान लगता है। He seems to be a nice person. He seems to be a nice person. H E he, S double E M S seems, T O two, B E B, a N I C E nice, P E R S O N person. He seems to be a nice person. Eighth is, मैं उनमें से नहीं हूँ
जो झूठ बोले। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लाई। मैं उनमें से नहीं हूँ जो झूठ बोले। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लाई। आई ए एम एम एन ओ टी नॉट ओ एन ई वन ओ एफ ओ टी एच ओ एस ई दोज डब्ल्यू एच ओ हु एल आई ई लाई। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लाई। नाइन्थ इज आज दोपहर के खाने में क्या है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कहाँ कैसे जो वर्ड्स आते हैं वो क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य में ही आते हैं। सो लास्ट में हम प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आज दोपहर के खाने में क्या है। व्हाट इज फॉर लंच टुडे। व्हाट इज फॉर लंच टुडे। डब्ल्यू एच ए टी वर्ट आई एस इज एफ ओ आर फोर एल यू एन सी एच लंच टी ओ डी ए वाई टूडे। टेंथ इज मेरा सर चकरा रहा है। माई हेड इज स्पिनिंग। माई हेड इज स्पिनिंग। सर चकराने की इंग्लिश क्या होगी स्पिनिंग। चकराने की इंग्लिश स्पिनिंग। एम वाई माई एच ई ए डी हैड आई एस इज एस पी आई डबल एन आई एन जी स्पिनिंग। माई हेड इज स्पिनिंग। स्टूडेंट्स लेट्स रिवाइज। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते। वाई यू डू नॉट लिसन टू मी। वो एक अच्छा इंसान लगता है। ही सीम्स टू बी अ नाइस पर्सन। मैं उनमें से नहीं हूँ जो झूठ बोले। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लाई। आज दोपहर के खाने में क्या है। व्हाट इज फॉर लंच टुडे। माई हेड मेरा सर चकरा रहा है। माई हेड इज स्पिनिंग। स्टूडेंट्स टुडे वी डिस्कस अवर 10 कन्वर्सेशन डेली यूजेस सेंटेंसेस। सो राइट देम इन योर फेयर नोटबुक एंड कंप्लीट योर वर्क। राइट इट इन नीट एंड क्लीन राइटिंग। ऑल्सो लर्न देम। आई होप यू अंडरस्टैंड अवर डेली यूजेस कन्वर्सेशन सेंटेंसेस। थैंक यू स्टूडेंट्स।